तमाम केसों की जो नींव रखी गई वो कांग्रेस ने रखी, और इस तरह से एक साजिश रची चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के खिलाफ। मैं आज खुले तौर पे कहता हूँ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के करे हुए जो कुकर्म हैं उनका एक ना एक दिन भगवान के रूप में जनता जो है उनसे बदला जैसे पिछली बार लिया आगे भी लेती रहेगी। मैंने इस बात से तो हरियाणा प्रदेश का जन जन दुखी है, और ना केवल उनका परिवार का सदस्य होने के नाते बल्कि उनका एक समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते भी उनके लिए हमने इतना काम किया और उनको एक आइडल के तौर पर आज पूरा प्रदेश और पूरे देश में माना जाता है। इतने संघर्षशील व्यक्ति के साथ जो इस तरह का व्यवहार हो रहा है, और एक बार नहीं बार बार हो रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं ये विश्वास उठता है। मगर हमें फिर भी उम्मीद है कि उन्हें न्यायपालिका से आगे न्याय ज़रूर मिलेगा और उन्हें इसमें रिलीफ ज़रूर मिलेगी। ये तो कांग्रेस के बोए हुए बीज हैं। मैं तो आज भी इस पर कहते हुए कोई शंका नहीं करता, क्योंकि चार्जशीट और सभी चीज़ें कांग्रेस के ज़माने में हुई, तो जो सब बुनियाद और जो सब इस तमाम केसों की जो नींव रखी गई वो कांग्रेस ने रखी, और इस तरह से एक साजिश रची चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के खिलाफ। मैं आज खुले तौर पर कहता हूँ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के करे हुए जो कुकर्म हैं उनका एक ना एक दिन भगवान के रूप में जनता जो है उनसे बदला जैसे पिछली बार लिया आगे भी लेती रही।